तो है गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स गली बॉय पिजोन। तो गाइज यार, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार गर्मी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में हम कबूतर बाज को ना सिर्फ एक ही परेशानी रहती है, वो है चेचक की बीमारी की। इस मौसम में हमारी कबूतरों को बहुत ज़्यादा चेचक निकलती है और हमारी कबूतर मर जाती हैं। तो गाइज यार, आज आपका भाई आपके लिए वीडियो ला चुका है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि गाइस यार आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने कबूतर को चेचक से कैसे बचा सकते हो। तो चलो यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी कबूतर को चेचक क्यों निकलती है। तो गाइस यार, हमारी कबूतर को चेचक इसलिए निकलती है कि हम अपनी कबूतर को जहाँ भी रखते हैं, दरबे में, पिजड़े में, किसी भी जगह पे रखते हैं, हम उस जगह की सफाई नहीं करते हैं। तो यार हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी कबूतर को जहाँ भी रखते हैं हमें उस जगह की सफाई करते रहना है। दो तीन दिन पर हमें उस जगह को साफ़ रखना है। और हमारी कबूतर को चेचक क्यों निकलती है, जहाँ गंदगी रहती है गाइस वहाँ पर मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी कबूतर को ये गर्मी की वजह से चेचक नहीं निकलती, हमारी कबूतर को जब कोई मच्छर काटता है उसकी वजह से हमारी कबूतर को चेचक निकलती है। तो याद रखो, अपने कबूतर के दरबे को हमेशा साफ़ रखो, क्योंकि गंदा रहेगा तो उस जगह पे मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी और हमारी कबूतर को चेचक निकलती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कबूतर के चेचक को बचाव कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी किसी भी कबूतर को अगर चेचक निकले तो हम क्या करते हैं। हम इंडिया में पूरे 99% मैं बता दूँ, हर जगह कबूतरबाज यही करते हैं, हमारी किसी भी कबूतर को चेचक निकलती है हम उस कबूतर को पर को बांध देते हैं, उसके पर को काट देते हैं या फिर उस कबूतर को कहीं अलग ले जा के रख देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज़, हम उस कबूतर को कहीं अलग नहीं रखना है, उतना ही उसके पर को काटना है, पर को उगाड़ देना है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे भी जिस भी कबूतर को चेचक निकले ना गाइज़, तो हमें क्या करना है, उस कबूतर को वैसे ही खुला रहने देना है, बाकी कबूतरों के बाकी कबूतरों के साथ में ही रखना है, उसको कहीं भी अलग नहीं रखना है, बाकी कबूतरों के साथ उसको उड़ाते रहना है। क्योंकि यार जब हमारी कबूतर के पर हम बांध देते हैं ना, तो वो उड़ नहीं पाते हैं और ऐसे में वो कबूतर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हम उसको कहीं अलग ले जाकर रख देते हैं और उसकी चेचक बढ़ती रहती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब गाइज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि हमारी कबूतर को जब चेचक हो जाती है तो हम तो उसको खुला छोड़ेंगे, उसको खुला बाहर ही रखेंगे, तो ऐसे में तो वो ठीक तो रहेगी पर उसकी चेचक पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। अब उसके ऊपर कोई तो दवा मलहम लगाना पड़ेगा। तो यार अभी वो मलहम मेरे पास है नहीं गाइज, उस मलहम का नाम है पेंड्रम क्रीम, आपको स्क्रीन पर फोटो उसका दिख जाएगा। अब वही मेडिकल किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके आपको 10-15 रुपये का मिल जाएगा, उसको ले लेना है और आपके अपने कबूतर को ऊपर लगाते रहना है। 2-4 दिन में गाइज यार आप देखोगे कि आपकी कबूतर बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगी। तो गाइज यार वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज इस चैनल पे रोज़ कबूतर से रिलेटेड एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया, बेल का बटन ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो यार गाइज चलते हैं, तब तक के लिए बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।